नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट वॉन्डरर में। मैं हूं आपका दोस्त अशोक। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं एक्सेल स्टूडियो, जो कि डेकोरेटिव पैनल्स में डील करते हैं, होलसेल रिटेल। यहां पर आपको काफ़ी अच्छे प्राइजेस मिलने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा वीडियो का कोई पार्ट आप स्किप ना करें। स्क्रीन पर आपको इनकी डिटेल मिलने वाली है, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का पार्ट ज़रूर बने। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ के सेल पर्सन से और जानेंगे एक्सेल स्टूडियो के बारे में डिटेल में। तो चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर जो सेल पर्सन है उनसे। सो लेट्स गो। दोस्तों, मैं अभी फिलहाल हूँ एक्सेल स्टूडियो और मेरे साथ हैं भैया, और जानते हैं इनसे एक्सेल स्टूडियो के बारे में। तो सर, पहले तो एक्सेल स्टूडियो के बारे में बताएं। एक्सेल स्टूडियो हमारी 10 साल से इंटीरियर प्रोडक्ट में डील कर रही है। पहले हम वॉलपेपर और फ्लोरिंग में ही करते थे, अब हमने बिल्कुल बाजार में लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यू सारे इंटीरियर प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और बिल्कुल न्यू वैरायटी और फुल ऑफ स्टॉक और विद रीजनेबल प्राइस। आओ आपको दिखा देते हैं हम। ठीक है, सारे जैसे हमारे पास लोअर की तो बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, 5 इंच में, 8 इंच में, 12 इंच में, और थिकनेस वगैरह कितनी कितनी है? 6 mm, 8 mm, 12 mm। ठीक है, और 20 mm तक भी है हमारे पास लोअर। ठीक है, चारकोल लोअर, कोरियन भी है, इंडियन भी है, और ऑल तरह की वैरायटी है। इंडियन और कोरियन में क्या डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि कोरियन जो क्वालिटी आती है वो उसका पेपर और मेटल दोनों कोरियन होते, तो उसकी क्वालिटी बहुत ही हाई होती है। ठीक है, और इंडियन भी वैसी बात नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि हम पेपर सारे कोरियन ही यूज़ करते हैं। प्राइस में दोनों में बहुत फ़र्क होगा? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग हमने मैच कर दिए हैं दोनों प्राइस। ठीक, हम कोरियन भी सस्ता ही दे रहे हैं। अच्छा। इंडियन के जितना रेट लगभग इंडियन है उतना ही कोरियन उसी रेट में दे रहे हैं हम। ठीक है, इसके बारे में बताइए यहाँ पे क्या है। ये 12 इंच का लूअर है। ओके, आजकल ग्रे बहुत ट्रेंड में है। हाँ, काफी। और 12 इंच जो पतले आजकल स्लीक लोग काफी पसंद कर रहे हैं उसी तरह का माल है। 8 mm का माल है 12 इंच में। ओके, इसमें 8 फुट और 9.5 फुट दोनों हाइट मिल जाएगी आपको। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा ना, आप तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 2010 से कर रहे हैं, 8 फुट और 9 फुट कौन सा, मतलब ऑथेंटिसिटी अगर हमें देखें? ऐसा होता है ना, फ्लैट्स में छत ही नीचे होती है, फॉल सीलिंग के बाद जगह कम बच जाती है, तो वहाँ 8 फुट यूज होता है। ठीक है, और जो लोग कोठी बनाते हैं जी, जो बड़ी बिल्डिंग दिल्ली NCR से बाहर, वहाँ छत काफ़ी हाइट में लोग 11 फुट रखते हैं, वहाँ 9.5 फुट ही लगता है। इसलिए ये वैसे क्वालिटी वाइज को फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी वाइज फर्क नहीं, बट प्राइस में फर्क आ जाता है। बिल्कुल फर्क आता है, फर्क आ जाता वो है। तो जो मटेरियल ज्यादा है तो ज्यादा पैसा लगेगा, और कम है तो कम लगेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? ये क्या, ये कौन सा पैनल है? ये भी सब 8 इंच में है, अलग अलग 5 इंच में है, कोई 8 इंच में है। ओके, ये आपका फ्लूटेड पैनल के साथ एक मिक्स हो गया। बिल्कुल, ये फ्यूजन है प्लेन विद जो अपना जिगजैग के साथ। ओके, ठीक है, यहाँ पे कौन से हैं पैनल्स? जो पैनल्स तो सारे उधर लगे हुए हैं। अच्छा, सारे हैं। अब ये कोरियन, अब तक बाजार में जो चारकोल चल रहा था सारा चाइनीज था, जिसकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया नहीं थी। हाँ। ये कोरियन मटेरियल ही है, मेड इन कोरिया है। आप फिनिशिंग देखो इसके, इसके अंदर हमारे पास 70 से 80 कलर है। 70 से 80 कलर? बिल्कुल, ये लगे हुए हैं सारे इधर, और पहली बार चारकोल के अंदर मार्बल और वुडन। अच्छा, दोनों आप दोनों? ओके, ये आप देखो कितने बाई कितने के पैनल होगी? ये 8x2 के हैं, 8x2 के पैनल, और 4 mm मोटे हैं। पहली बार मार्बल में आपको, बिल्कुल चारकोल में अब तक किसी का आप मार्बल नहीं देखा होगा। और ये वुडन भी कुछ अलग से यूनिक कलर है। वाओ, बहुत बढ़िया, रोज गोल्ड, गोल्ड ग्रे, अच्छा डिफरेंट पैटर्न, मतलब काफी कुछ है। बिल्कुल, लीफ वाले डिजाइन भी आते हैं। बिल्कुल, और इसकी थिकनेस जो रहने वाली है 4 mm, 4 mm में रहने वाली है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जितनी ज्यादा थिकनेस अच्छी होती है, मोटी होती है, वो ज्यादा लाइफ लॉन्ग चलते हैं पैनल्स, ये जो पतली थिकनेस वाले हैं? क्वालिटी पे डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल क्या लगा हुआ है उस चीज पे क्वालिटी पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर प्राइस का उसके ऊपर फिर थोड़ा बहुत असर पड़ता है, स्टैंडर्ड थिकनेस में ही आता है, चाहे कोरियन हो चाहे इंडियन हो, चाहे इंडिया में तो शायद बनता ही नहीं है। हाँ। कोरियन या चाइनीज में, चाइना से आता है, दोनों के थिकनेस सेम ही होता है लगभग। ठीक है, सिर्फ पेपर का। यहाँ पर ये CNC बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में, ये बाजार में अब तक किसी के पास नहीं है। हाँ। ये SDHMR के ऊपर CNC करके PU की कोटिंग है, और ये एंटी स्क्रैच और वाटर प्रूफ है। अच्छा। और इसमें डिफरेंट कलर है, काफी डिफरेंट वैरायटी मैं देख रहा हूँ, एक तो ग्रे में तो काफी आजकल, ग्रे ब्लू, ओके एक बहुत यूनिक कलर, इसमें हम टेक्सचर भी दे देंगे आपको हर तरह से। अच्छा, इसकी थिकनेस थोड़ी, ये 6 mm के, 5.5 mm का HDHMR आता है उसके ऊपर, उसके ऊपर लगेगा। और ये कहने वाला HDHMR है या एक्चुअल में? नहीं, एक्चुअल एक्शन या ग्रीन का होगा, पीछे से स्टैंपिंग ही होगा। अच्छा, सारा कुछ मेंशन होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अच्छा, ट्रांसपोर्ट की थोड़ी सी बात कर लें क्या, पैन इंडिया कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? पैन इंडिया हमारे यहाँ नोएडा,
ये ग्रीन प्ले का एसजीएसएमआर है, अच्छा ये सारा लिखा हुआ है, ओके सब कुछ मेंशन है। तो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन पैन इंडिया बस सर्विस भी है, ट्रेन सर्विस भी है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। आजकल इंडिया में बहुत अच्छा सब कुछ सुविधा है हर जगह से। हमारा दिल्ली में भी डिपो है, साउथ में भी डिपो है, और जहाँ से भी कस्टमर बिल्कुल उसी डिपो से हम डिस्पैच कर देते हैं। डिस्पैच कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बारे में अगेन ये मेरे ये तो चारकोल ही है, वो उसमें डिफरेंट वैरायटी कुछ वैरायटी के आप कलर और वो देखें वैरायटी। अच्छा ये अपना फिर सब ये सब चारकोल चारकोल में बताया ना, इसमें हमारे पास 70 से 80 कलर है, 70 से 80 कलर है। सीएनसी काफी आजकल चल रही है एक डिजाइन। अच्छा यहाँ पर इनके बारे में बात करना चाहोगे थोड़ा सा? ये पहली बार इंडिया में आप लेकर आए हो, कुछ ही लोगों के पास है, दो हो सकता है इंडिया में शायद एक दो लोगों के पास ही हो। फ्लेक्सिबल लूअर, अच्छा ये आप कहीं भी तोड़ मरोड़ के टिड्डा करके राउंड, आजकल लोगों को प्रॉब्लम होती है कि राउंड कैसे करके लगाएंगे, हाँ। तो ये राउंड हो भी हो सकता है, कट के भी लग सकता है वर्टिकल, और ये हमारे पास पहली बार होगा कि किसी के पास भी। हमारे पास 9.5 फुट by 4 फुट अच्छा। हाइट का प्रॉब्लम रहता है, तो हाँ। इसमें 9.5 फुट हाइट है हमारे पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसे बेंड हो गया तो क्वालिटी तो ऑलमोस्ट इसकी बहुत सुपर होगी, प्राइस भी सुपर होगा, बिल्कुल अभी नया नया है, बिल्कुल एक्स्ट्रा रीजनेबल पैसा है इसका। बाजार के हिसाब से हमारे पास बहुत कम रेट का हमारे को मिलेंगे। एक नई आइटम आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं लिक्विड मेटल पैनल। ओके, अरे वाह, बहुत। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि रोल होके जा सकती है, आप अपनी गाड़ी में भी लेके जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी, और काफी हल्का है बिल्कुल, और लुक देखो कितने एलिगेंट है। वाह बहुत बढ़िया। इससे लाइट पास हो सकती है क्या? नहीं नहीं ना, नहीं नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है इसको देख के काफी, मतलब काफी यूनिक है पैनल। बिल्कुल, इसमें हमारे पास पैटर्न देखिए आप। वाओ, अरे वेरी गुड। सेम कलर में हम लूअर भी बना के दे देंगे, ये हमारी होममेड मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा ये साइज क्या लेके आए हो आप? 8x2। 8x2, इसके अलावा और इसमें साइज कस्टमाइज हो सकता है? नो, 8x2। 8x2 ना, उसे छोटा करवा सकते हैं आप 4x2, बट 8x2 इज स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड साइज है। बहुत बढ़िया, मतलब डिजाइन इसमें काफी कुछ है। वाह, आप किसी भी पैटर्न में कोई भी कलर ले सकते हैं। मार्बल में चाहिए आपको, मेटालिक में चाहिए, सब मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। किसी को सैंपल किट चाहिए तो? चार्जेबल है, आप जब मर्जी हम कुरियर लगा देंगे। अच्छा बता सकते हैं कितना लेते हैं सैंपल किट का? 1500 रुपये। 1500 रुपये, ठीक है। अच्छा होलसेल रिटेल आप दोनों करते हैं राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, होलसेल रिटेल आप दोनों करते हैं। प्राइसेस को लेकर हम इसलिए यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ क्वालिटी में बात कर रहे हैं। पहले आप क्वालिटी और वैरायटी देखिए, हाँ। प्राइस तो ऊपर नीचे हो ही जाएगा। अच्छा ये चीज है थोड़ी डिफरेंट है, ये रैटन बोलते हैं आजकल। बिल्कुल आजकल ये नया प्रोडक्ट है, काफी दिन से ट्रेंडिंग में है ये रैटन, है ना? बिल्कुल, ये 50 स्क्वायर फीट का रोल है, 2 फुट by 25 फुट का, आउटडोर इंडोर दोनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला इसका। बहुत बढ़िया, इसमें आपके पास अलग अलग डिजाइन और पैटर्न। ये 50 फुट का रोल 12,000 रुपए का है, बाजार में शायद मेरे को लगता है सबसे सस्ता हमारा ही होगा। ओके वाओ यार बहुत बढ़िया। अच्छा ये आजकल काफी चल रहे हैं, अब इसको बोलते हैं रिपल, तो पुराना है, रिपल शीट बोलते हैं, पहले ये आता था एसएस में, हाँ। अब ये पीवीसी बेस आने लग गया, ठीक है। तो अच्छा दोनों में फर्क क्या है ये भी तो? एक तो वो भारी शीट होती है, काटना और लगाना इतना आसान नहीं होता उसका, और महंगी बहुत है, उसके 1/4 में ही आ जाएगी, और ये आप 4 फुट विड्थ है इसकी, और लंबाई में आप चाहो तो 300 फुट तक जा सकता है। अच्छा, 400 फुट तक जा सकता है ये, वो लगेगी तो उसके साथ ही हीटेक से चिपका दो, हीटेक से चिपक जाएगी ना। बहुत बढ़िया। तो और इसमें कुछ लिमिट है कि हम इतना बाय कर सकते हैं? उतना नो, नो एमओक्यू हमारे यहाँ, कोई एमओक्यू नहीं, आप कितना भी ले सकते हो। और इसमें मेनली आपके रिपल इफेक्ट तो आ रहे हैं, इसके अलावा और भी कुछ है? सिंपल 5 कलर्स है। अच्छा सिल्वर है, रोज गोल्ड है, गोल्ड है, ब्लैक है, ओके, और मतलब जो नॉर्मल चलते हैं वही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये आप, ये आपने वॉल तैयार की हुई है ना, बहुत अच्छा। ये लूअर्स ही है ना, बहुत अच्छे से आपने इसको एक नीचे लाइट देखी। ये कितने बाय कितने की वॉल है? ये 17 फुट by 9 फुट की है। खर्चा बताओगे कितना आया इसका? इस तरह तो क्या आइडिया लग सकता है, अगर किसी को करवाना हो तो 25,000 रुपये लगे होंगे इस पे। ओके 25,000 पीस। बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक्चुअली इसमें 1, 2, 3 एक वेव दी गई है, और मेरे बोर्ड लगा है पीछे, बोर्ड थोड़ा महंगा इसमें, लूअर तो इतना पैसा नहीं लगता, इतना बोर्ड का ज्यादा लगा हुआ है। जो अगर कोई देखेगा तो इसका जो बोर्ड लगा है ना, मेरे ख्याल से ये आपने काफी मोटा बोर्ड लगाया है, 12 mm का बोर्ड लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर भी बहुत कुछ लूअर्स लगाए हुए हैं आपने, डिस्प्ले भी, जहाँ डिस्प्ले आपने कोई कुछ नहीं छोड़ा है ना, ठीक है। यहाँ पर फिर थोड़ा सीएनसी, ये नया आइटम बाजार में काफी अच्छी ट्रेंडिंग में है, मिरर शीट पे सेरेमिक कोटिंग। अच्छा ओके, इसमें काफी रेंज है,
और हम और भी, यानी अभी तो हमारे पास 10-15 पीसी वो है कलर, और चाहो जो चाहो आप वो बनवा देंगे, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल 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 okay. इसका रेट हमारा बाजार में सबसे सस्ता रहने वाला है, ये हम 2200 रुपए में दे देंगे 8x2 की, 8x2 1.5 mm मिरर शीट पे सेरेमिक कोटिंग और एंटी स्क्रैच, ये भी लोगों की जो है सेरेमिक यूवी नहीं होती वो उतर जाती है, इस पे आप स्क्रैच करोगे तो भी नहीं उतरेगी। वाह भाई वाह, लोग कहते हैं कि मास्किंग टेप पे उतर जाती है, ये हमारी गारंटी की मास्किंग टेप लगाने पे नहीं उतरेगी, नहीं उतरेगी। ओके, बहुत बढ़िया डिजाइन, अगर आपको चाहिए तो आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सीएनसी की अगेन यहाँ पे इनके पास बहुत बड़ी कैटलॉग है। ओके, ये अगेन फिर तो चारकोल आ गया, ये LMQ का फुल व्यू है जो मैंने आपको नीचे दिखाया था। ओके, सिंपल, ये इसका पूरा फुल व्यू, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें भी अपने पास डिजाइन काफी है ना? बिल्कुल है ना, डिजाइन तो काफी है अपने पास। ओके, ये भी एक और है, वाह बहुत बड़े, वाह आप देख सकते हैं, हम जो छोटे सैंपल दिखाए थे वो एग्जैक्टली में ये है। अच्छा, ये वीनियर की लुक देता है और वीनियर से हल्का भी बहुत है। बिल्कुल, और ये ड्यूरेबल है, लाइफ टाइम ही है इसका, कुछ यानी कोई मेंटेनेंस नहीं, जीरो मेंटेनेंस है, और ना कुछ, ना कोई दीमक से, ना सीलन से, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन, प्राइस बता सकते हो क्या अभी दे रहे हो इसको रिटेल वालों को, क्या दे रहे हो, या मैनिपुलेटेड है? मैनिपुलेटेड ही है, मैनिपुलेटेड है ना। चलो ठीक है, नहीं पूछते हैं, ठीक है। ये अगेन फिर एक, फिर भी बाजार से आपको सस्ता मिलेगा, इस बात की गारंटी देंगे, सस्ता मिलने वाला है। ठीक है, मोल्डिंग्स की तरफ चलें क्या? अच्छा ओके, इसकी बात कर लेते हैं। अब इसको इतना देख लिया, इसकी गत हो गई है ना, पर लोगों ने गत कर दी, ऐसा ना गत कर दी, थिकनेस कम ला के, हमारे पास थिकनेस कम नहीं है, हमारे पास 50 mm ही है। अच्छा, हमने स्टैंडर्ड उसी से स्टार्ट किया था, उसी से पे ही चल रहे हैं हम। ओके, प्राइस क्या दे रहे हो अभी फिलहाल? ये तो 1000 rupees प्लस GST, प्लस GST। ओके, क्वालिटी है, आप देखो आपके सामने ही है, बेच ही रहे हैं, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था और आज भी बेच ही रहे हैं, हमने क्वालिटी नहीं गिराई ना थिकनेस गिराई। अच्छा, बहुत बड़े मार्केट में जो मिल रहा है उसमें और इसमें फर्क ये क्वालिटी का, बहुत बेसिकली थिकनेस का फर्क है, थिकनेस का फर्क है। ठीक है, अच्छा आउटडोर में आप रेकमेंड सच में करोगे? कर सकते हैं, पानी से बिगड़ना क्या है, वैसे इसका पेंट भी आता है, वो आप पेंट की दे सकते हैं अलग से, अगर कल को थोड़ा बहुत फेड होता है, कुछ होता है, तो आप टच कर सकते हो उसको, टचअप। ठीक है, बट मैं ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ड्यूरेबिलिटी और प्राइस के हिसाब से सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, आउटडोर के लिए भी और इंडोर के लिए भी। इंडोर के लिए भी, इंडोर के लिए तो मैं कहूंगा चलो एक मिनट के लिए आप लगा सकते हो, बट लोग काफी आउटडोर में लगाते हैं, ड्राइववे में वगैरह में, जहाँ डायरेक्ट बहुत ज्यादा धूप नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं। इन पैनल्स का क्या प्राइस दे रहे हो? इसको लीफ पैनल बोलते हैं, इसका प्राइस हमारा 600 rupees है। अच्छा, उसमें GST ले रहे हो? हाँ बिल्कुल ले रहे हैं, GST ले रहे हो। होलसेल वालों को क्या अलग देते हो आप, मतलब क्या डिफरेंट मतलब देते हो उस चीज़ से? तो हमने होलसेल ही प्राइस ही बताए हैं, बेसिकली तो हम जाए तो होलसेल होलसेल ही करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। लीफ के पास हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी हैं और डिज़ाइन बहुत सारे मिलने वाले हैं। मोल्डिंग्स की तरफ चलते हैं, मोल्डिंग का प्राइस भी आज की डेट में वो तो मैनिपुलेटेड ही गया है, बट क्वालिटी भी गिरा दी है लोगों ने, ऐसा नहीं है, उससे जितनी थिकनेस कम करेंगे भी मटेरियल जितना क्वालिटी जितनी गिरेगी उतना प्राइस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। थिकनेस हमारी जितनी पहले थी उतनी ही है, प्राइस चाहे गिर गई हो, हमने वैसे प्राइस हमने भी कम तो किए ही है। ठीक है, 2200 हमारा 55 rupees से स्टार्ट है। अच्छा, और उस हिसाब से जो भी जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ये पेंटेबल है सारे? बिल्कुल पेंटेबल, पेंटेबल है ना। ठीक है, और इसमें जो स्टैंडर्ड आपका आता है वो 8 foot आता है, 8 foot आएगा। और क्वालिटी की अगर बात करूँ तो ये एक्चुअली क्वालिटी मटेरियल का बना हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर, और कम से कम कुछ गारंटी वारंटी मिलती है इसमें? नहीं, बिल्कुल 100% गारंटी। आप प्लास्टिक में भी वाटर प्रूफ, सीलन प्रूफ, दीमक प्रूफ तो है ही है, और बाकी लोगों की आप देखोगे तो जो सस्ते ज्यादा आते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लैकिश नजर आते हैं, वो बैंड होने के भी चांस रहेंगे कहीं ना कहीं, वो इसमें वर्जिन मटेरियल में नहीं आता वो। ओके, मतलब इसकी खासियत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वालिटी देखिए, फिनिशिंग देखिए। ठीक है, इसके बाद कुछ और है जो दिखाना चाहेंगे? कोरियन लोअर, कोरियन लोअर। अच्छा, आप फिनिशिंग देखिए, आप देखिए 2010 से कर रहे हैं ना आप, मैं कहूँगा इसमें काफ़ी माल दे रहे हैं, पैन इंडिया दे रहे हैं, आपके बहुत डीलरशिप नेटवर्क है। कोरियन और चाइनीज़ को पहचाने कैसे, क्योंकि काफ़ी लोग चाइनीज़ को भी नहीं ऐसा नहीं है बोल के भेज देते हैं, फिर भी मतलब एक आम कस्टमर अगर जो लेना चाहता है कैसे कैसे सोचे, कैसे कैसे उस चीज़ को पहचाने फिनिशिंग? वैसे तो देखिए आपको समझ में आ जाएगी, मुझे समझ में आ जाएगी, पर जो एक ले मैन है जो पहली बार चीज, पहली बात तो चाइनीज लूअर टाइमिंग बैंड हो जाते हैं। अच्छा, आप हमारे पास चाइनीज का सैंपल होगा नहीं, मैं दिखाता आपको, बैंड बैंड हो जाएगा वो। बिल्कुल, पर इनके साथ ऐसा नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल बैंड नहीं होंगे, चाहे वो 8x4 के जो पैनल रखे रहते हैं वो बैंड, 5 inch by 8 foot में आते हैं। अच्छा, इनका साइज भी अलग होता है?
इनका ये 9.5 फुट में ही आएंगे, ये 9.5 फुट में आएंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कोरियन पैनल ले रहे हैं तो उसका साइज जो आएगा वो 9.5 फीट में ही आने वाला है। अब तो चाइनीज भी सारा 9.5 फुट ही आ रहा है। अच्छा, वो लोग भी बना रहे हैं, वो भी थोड़ा मुश्किल हो गया मतलब फिर पहचानना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ले मैं इनके लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये LMQ और टाइल ही है। अच्छा, ओके ओके, हमारे पास आपको इंटीरियर का हर प्रोडक्ट मिलेगा, यानी वन स्टॉप शॉप। कितने इंटीरियर डिजाइनर आपसे जुड़े हुए हैं? नंबर है ऑल ओवर इंडिया करीबन 300 to 400। अच्छा, लोग जुड़े हुए हैं इंटीरियर डिजाइनर्स जो? बिल्कुल। बहुत बढ़िया, जितने भी नए प्रोडक्ट आते हैं आप बिल्कुल आपके पास होंगे ही होंगे, है ना। शोरूम के बाद अब हम दिखाने वाले हैं एक्सेल का पूरा जो वेयर हाउस है, यहाँ पर कैसे सामान इन्होंने रखा हुआ है और यहाँ पर क्या क्या कैटेगरी है। उसके लिए हमारे साथ हैं एक्सेल से जो सेल्स पर्सन है, वो हमें ये बताएंगे यहाँ पर क्या क्या सामान कैसे कैसे रखा हुआ है और यहाँ से कितना कितना सामान जाता है। तो सर स्टार्ट करें, बताएं ज़रा कहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, अपने पास ये चारकोल लूवर्स हैं। अच्छा, जिसमें कि आपके पेन इंडिया हम काम करते हैं। ठीक है, जिसकी क्वालिटी जो है फिनिशिंग और क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, और चाहे होलसेल का ऑर्डर हो चाहे रिटेल का, रिटेल हो या होलसेल हो, हमारे यहाँ सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, और उसमें जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, इस तरह के पूरे पूरे प्लैंक्स का एक डिब्बा आता है ना जी, जो मतलब दिल्ली NCR के अलावा आप पैन इंडिया कहीं पे भी भिजवा देते हैं। इधर क्या रखा हुआ है, इधर थोड़ा बताएंगे ज़रा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये कौन से पैनल्स हैं अगर इनकी बात करें तो, थोड़ा सा अगर हम निकाल पाए। अच्छा, ये शायद बैक साइड है। ओके, ये चारकोल की सीटें हैं। अच्छा, 8x2। ये 8x2 की सीट जी। बहुत बढ़िया, इस तरह के और भी काफ़ी, मतलब ये सारा जो लगा हुआ है अपना, ये पूरी जो चारकोल की सीटें हैं जो आपकी कोरिया मेड है। कोरियन मेड है, ओके ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या है सर? ऊपर की तरफ लूअर्स हैं। अच्छा, लूअर्स लगे हुए हैं सारे, सारे। जिसमें अलग अलग वेरिएंट के अलग अलग सेट्स रखे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा आगे की तरफ चलें और भी दिखाएं और कितना सामान रखा हुआ है यहाँ पर पूरा, मतलब यहाँ पर वैसे बेसिकली लूअर्स के अलावा और क्या क्या मिलता है सर? लूअर्स के अलावा अपने पास पीयू स्टोन, पीयू लीफ। अच्छा, और मैं यहाँ देख रहा हूँ बोर्ड्स भी रखे हुए हैं, तो प्लाई बोर्ड। अच्छा, ये मोल्डिंग्स भी हैं सर यहाँ पे, है ना? मोल्डिंग की क्वालिटी अपनी से अच्छी किसी की नहीं है। वाह, बहुत फिनिशिंग में और डिजाइन में आजकल तो काफ़ी चल रही है, बहुत आजकल बहुत चल रही है, बहुत इन है। ठीक है, यहाँ पे मोल्डिंग्स भी मिल जाएंगे आपको। ये क्या है सर? ये चारकोल लूअर्स हैं। ये लूअर्स एक और। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत जिसकी क्वालिटी बेस्ट है। ठीक है, थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आप इसमें भी डील करते ही हैं। ये डोर्स हैं। अच्छा, ये डोर्स हैं सारे? ये डोर्स हैं। साइज क्या होगा इनका? साइज इसका अलग अलग होता है। ओके, मैं थिकनेस दे रहा हूँ, देख रहा हूँ काफी डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस है, मतलब काफी हैवी भी है और काफी, हाँ हर तरह के मिलेंगे आपको, मिल जाएंगे, क्वालिटी में अच्छी मिलेंगे। ठीक है, इसमें अब आती है आपकी एक्रेलिक सीट। अच्छा, एक्रेलिक, ये पूरा एक्रेलिक का सेक्शन? ये पूरा सेक्शन पूरा एक्रेलिक का है। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंटी स्क्रैच सीट है। कितने बाई कितने की होगी? 8x4 की। 8x4 की है ना, ये ऊपर रखी हुई, ऊपर वाली भी एक्रेलिक, ऊपर वाला भी एक्रेलिक है, एक्रेलिक ही है। बहुत बढ़िया, ठीक है, थोड़ा सा फिर आगे की तरफ चलते हैं। इधर इस तरफ क्या है सर वैसे, इधर अगर दिखाएं तो? इस तरफ है आपका बोर्ड और प्लाई, और प्लाई रखी है। ये कौन से बोर्ड हैं? तो इनकी थिकनेस तो काफ़ी मोटी अच्छी खासी है। ये वाटरप्रूफ बोर्ड है, PVC वाले? PVC वाले। ओके ओके, यहाँ पे सब मिल जाएगा, होलसेल रिटेल जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। इसमें एक्रेलिक है, इसमें भी एक्रेलिक शीट्स हैं हमारे पास। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो आपकी मिरर सीट है। अच्छा, मिरर शीट्स भी मिल जाती हैं। हाँ जी, इनका साइज क्या है? 8x4 का ही। 8x4 का ही साइज है, ये 8x4 में ही आती है। 8x4 में ही आती है, एंटी स्क्रैच होती है। और इसकी बात करें तो ये भी एक्रेलिक है। ये भी एक्रेलिक है जी। हाँ, बहुत 1.5mm। अच्छा, बहुत बढ़िया, 100% प्योर एक्रेलिक। वाओ, एंटी स्क्रैच, एंटी स्क्रैच है। ओके, और यहाँ पे जो सेगमेंट रखा हुआ है ये सब एक्रेलिक रखा, ये सारा एक्रेलिक का ही जी। हाँ ठीक है, ये कौन सा गोडाउन है, यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है? इसमें लूअर्स और फ्लूटेड एक्रेलिक है जो 2.5mm थिकनेस में आती है। ओके, तो आप देख सकते हैं इनका कितना बड़ा गोडाउन है, कितना बड़ा। और ये आपकी फोल्डेबल है। अच्छा, ये फोल्डेबल है, ये फोल्डेबल है, टूटेगी नहीं, नहीं चाहे इसको कितना भी बेंड कर ले, कितना भी बेंड कर लो। बहुत बढ़िया, और इसकी ये कितने साइज में आती है? 8x4 में आती है, 2.5mm की। बहुत बढ़िया,
ठीक है, यहाँ पे बोल्ड करके कहीं भी आप ऑल ओवर इंडिया में बेच सकते हो। अच्छा, बोर्ड भी देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, बोर्ड भी हैं सारे, है ना? हाँ, प्लाईवुड, प्लाईवुड वगैरह भी मिल जाती हैं। ये फिर अपना वो पीवीसी वाले आ गए, हाँ, है ना? ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये अगेन फिर हमारे लोअर जो डब्बे हैं वो रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। होलसेल वालों के लिए मज़े हैं, बहुत अच्छा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ से जुड़कर आप पैन इंडिया कहीं भी मंगा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वांटिटी देख लो आप, आपको समझ में आ जाएगा किस बड़े लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। इनके बारे में बताएंगे, ये क्या है? ये एक्रेलिक सीट है। अच्छा, एक्रेलिक का काफी काम, एक्रेलिक के कई वेरियंट आते हैं। अच्छा, बहुत सारे सेट्स नंबर आते हैं, कलर्स आते हैं, तो सब स्टॉक में होंगे। ओके, वाह भाई, बहुत बढ़िया। एक्रेलिक में आपके पास जो थिकनेस आती है वो क्या क्या, कितने से 1.5 और 2.5 की दो प्रकार की आती हैं। अच्छा, उसके हिसाब से अलग अलग उसके प्राइसेस भी होते हैं, अलग अलग प्राइसिंग है। इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, बताएं सर यहाँ पर तो इस तरफ कुछ है। इस तरफ आपकी लूअर्स रखे, ठीक है, इस तरफ फिर आपका एक्रेलिक सीट रखी है। एक्रेलिक का आपके पास मतलब काफी अच्छा खासा स्टॉक है। एक एक में करीब करीब 250 सीट एक कलर में मिलेंगी, एक कलर में 250 सीट मिलेंगी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे अगेन वही आप देखोगे, बहुत कुछ है यहाँ पर दिखाने के लिए। डिटेल में अगर हम इसको बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो छोटा छोटा प्रीव्यू हम देना चाह रहे हैं। ये क्या है सर? ये माइका है। ये माइका है, माइका के बारे में बताएं, इसमें क्या क्या थिकनेस आ जाती है हमारे पास? ये 1mm की माइका रखते हैं हम। अच्छा, 1mm की है। दरवाजे पे लगाने के लिए 1mm की माइका ही बेस्ट होती है। बहुत हैवी रेट को लेके अगर 6.75 लेते हो, 7.2 लेते हो तो वो बेकार होती है। अच्छा जी हाँ, उसका कोई खास वजह है कि वो उसकी थिकनेस होने से ना उसमें जो है उसकी क्वालिटी की बेकार हो जाती है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये एक्रेलिक सीट है। ये अगेन एक्रेलिक का फिर एक और स्टॉक, फिर एक स्टॉक आ जाता है आपका माइका का। अच्छा, माइका का, ये टेबल वुड की माइका है। Okay. और ये 1mm की है। ये 1mm की है। इसमें आपके पास नेचुरल वुड के कलर तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा आजकल तो काफी फैंसी फैंसी माइका भी आ रही है, वो सब मिलते हैं, वो सब मिल जाएंगे यहाँ पर। फिर अगेन हम देख रहे हैं जो ये एक्रेलिक सीट है, ये एक्रेलिक है, बहुत बड़े मतलब एक्रेलिक काफी चल रही है आजकल, है ना? ये आपकी कॉपर है। अच्छा, कलर सीट है, कलर कॉपर है, कलर कॉपर है, मतलब ये पूरा बैच ही उसका होगा ना? जी ठीक है। एक शीट, एक एक बंडल में कितने शीट्स आती हैं अगर देखा जाए इसमें? 10 से 12 आती हैं। 10 से 12 सीटें आ जाती हैं जी। यहाँ पर इसके बारे में बताएं जरा, ये क्या है फिर? ये माइका है। ये माइका है, ये स्टोन फिनिश में माइका है। अच्छा, ये स्टोन फिनिश वाला माइका है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसमें क्या क्या थिकनेस है? 1mm की रखते हैं हम। ओके, और अगर मैं बात करूँ साइजेस जो है वो 8-4 वाले ही है ना? ये किस चीज़ का है पूरा स्टॉक? ये देखें अगर कुछ बता पाएंगे इसके बारे में, मतलब इतना सामान रखा हुआ है कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या क्या रखा हुआ है ना। ये रात ही आया है। अच्छा, ये रात में ही आया है, आज रात में ही आया है। अच्छा, ये फ्लूटेड है, वो है लूअर्स। अच्छा, फ्लूट लूअर्स हैं जो बेंड हो जाती हैं, जो बेंडेबल फ्लूटेड लूअर्स हैं, वो सीट है। ये वो सीट है, इतना बड़ा रोल आता है पूरा, है ना? हाँ, ये पेंटेबल होती है। ओके, ओ आजकल काफी चल भी रही है, है ना? ये लेटेस्ट डिजाइन है। ओके, इसको हम पेंट कर सकते हैं? हाँ, पेंटेबल होता है। पेंटेबल होता है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर अगेन फिर अगर देखें पूरा प्लाई का इनका सेक्शन है, दोबारा गो डाउन आप देखोगे तो काफ़ी बहुत कुछ है यहाँ पर दिखाने के लिए। फिर अगेन इसकी बात करेंगे थोड़ा सा, ये जो ये बोर्ड प्लाईवुड है, बोर्ड ये प्लाईवुड वाले बोर्ड है, ठीक है। ये देखिए एक और, फिर अगेन एक और इनके पास एक ऑप्शन है यहाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे क्या है ये? ये फ्लेक्सिबल प्लाई है जिसमें कि हम आपको एक्रेलिक सीट का फोल्डेबल फोल्ड करके भेजते हैं। अच्छा, रोल करके भेजते हैं पेन इंडिया में, इस प्रकार रोल कर देते हैं उसमें अंदर। अच्छा, ओके, ये टूटती नहीं है, ट्रांसपोर्ट में भी सेफ्टी रहती है इसकी। सेफ्टी रहती है, बहुत बढ़िया। और साइज इसका क्या है? मुझे बड़ा लग रहा है, 8x4 है ये। 8x4 ही है? हाँ। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसमें कोई डिजाइन वगैरह आता है या नहीं? नहीं, ये केवल सेफ्टी के लिए होती है, एक्रेलिक सीट को भेजने के लिए सेफ्टी के लिए होती है। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करें और साथ में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो जो यहाँ पे आना चाहते हैं, इस जगह से जुड़ना चाहता है, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा और यहाँ पर आकर जुड़िएगा जरूर। इंस्टाग्राम, फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो जरूर करें। आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का पार्ट जरूर बने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखें अपना ख्याल। नमस्कार।